अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, ठीक है। जी, बाकी सब ठीक नहीं है? यस मैम, ठीक। आप लोगों का सेक्शन बहुत ही सोया हुआ होता है, जिसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता और सब ऐसे लगा होता है कि बस सोए हुए हैं और मैम ने हमने बस कहा ज्वाइन कि जब किया। ना प्रॉपरली उठा जाता है ना सोया जाता है ना क्लास ली जाती है। दिस इज नॉट अ गुड वे। आप लोग थोड़ा सा जो है वो अटेंटिवली क्लास लिया करो। हम कोशिश करते हैं, हम अटेंटिवली क्लास लें, लेकिन फिर अब हर किसी का, आई डोंट नो दूसरों का क्या, लेकिन मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है कि सैरी की वजह से। सहरी की वजह से नहीं, सहरी के बाद भी आप लोगों के यही हालात रहने हैं। डोंट यू वरी अबाउट दिस। नो मैम, ये लास्ट रमजान टाइम की ये वजह से हो रहा है। से ही हो रहा है। लास्ट टाइम ये नहीं था, वो सेमेस्टर में सही पूरी क्लासेस ली थी हमने, अटेंटिवली ली थी। सुबह 9 बजे वाली क्लास भी उठ के अटेंड करते थे। ये रमजान की वजह से प्रॉपरली नहीं इतना ध्यान दिया जाता। मैम लास्ट क्लास में तो मैं एब्सेंट थी, वो भी गलती से ही, कि 9 बजे मेरा अलार्म बोला, मुझे पता नहीं चला, मैं बंद करके सो गई थी। इस थोड़ा सा आप लोग जो है वो अपनी क्लासेस में भी अटेंटिवली रहा करो। रोजा हमें बिल्कुल भी ये नहीं मना करता कि हम जो है अपनी डेली बेसिस के रूटीन वर्क जो है वो उसको खत्म कर दें या उसको प्रॉपरली ना करें। ठीक है, रोजे का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ओके तो आप मैम, लोग अपने क्लासेस जो है वो प्रॉपरली लिया करें। लास्ट लेक्चर पढ़ा था किसी ने? यस मैम पढ़ा था अकॉर्डिंग टू। आप लोगों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी आपके सेक्शन में? हाँ यस मैम, आपने जो लिंक अपलोड किया हुआ जी, था उसके उसमें ही अकॉर्डिंग। है, उसमें आते जाएंगे। मैम जी मैम, हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ अभी, सेक्शन बी श्योर। और मैं आर कोऑर्डिनेटर से दोबारा बात करती हूँ कि आप लोगों का इश्यूज तो रिजॉल्व करें, क्योंकि इस तरह से आप सबको आई थिंक सो प्रॉब्लम हो रहा है। यस मैम, लेक्चर 1 तो ग्रुप से मिल गया था, लेकिन लेक्चर 2 और उसकी रिकॉर्डिंग और 1 की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, तो मैम पढ़ते हुए थोड़ा सा डाउट होता है। क्योंकि सेक्शन बी में तो मैं कोई चीज अपलोड ही नहीं ना कर रही, वहां से तो मिलेगा ही नहीं। यस मैम, मैम ग्रुप से मिला है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें से लेक्चर 1 मिला है। हाँ, तो उसमें जो है बाकी चीजें भी है, आप लोग बच्चों उसमें अपलोड कर दो, उसमें सेंड कर दो, ताकि जिन बच्चों का इशू आ रहा है उनको वो रिकॉर्डिंग्स अभी फिलहाल मिल जाया करें। जैसे इशू रिजॉल्व होता है तो फिर आप ग्रुप से नहीं लिया करो कि आप LMS से ही उसको चीजें अपनी लिया करोगे। ठीक है, यस मैम, हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट करें। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं। मैम फिर हाफ हाफ कर ले। भी इतना भी लेंथी नहीं, मैंने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ाया है अभी अभी 8 to 9। ओके मैम,
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द डीएनए, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन और सिग्निफिकेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। तो आज हमने पढ़ना है इट्स अबाउट द आरएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आरएनए आप सब लोगों को पता है कि इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि डीएनए से पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो आरएनए क्या है? इट इज आल्सो आर पॉलीमर, एंड इट्स अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें जो शुगर यूज हो रही है वो राइबोस शुगर यूज हो रही है, नॉट डीऑक्सीराइबोस शुगर। So RNA is a polymer of ribonucleotides linked together by 3 to 5 and 3 to 5 phosphodiester linkage. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे DNA में phosphodiester linkage use हो रहे थे, जो के nucleotides को दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, इसमें भी phosphodiester linkage के through जो है ये ribonucleotides एक दूसरे से अटैच होकर polymer बनाते हैं आपका RNA। कुछ इसे हमने डिस्कस किया था कि आरएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल भी होता है। मोस्ट ऑफ द मेमिलियन जो है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कुछ वायरसेस हैं एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एनिमल वायरसेस हैं, कुछ प्लांट वायरसेस हैं और कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं जो कि जिनमें आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। Like DNA, RNA is a polymeric nucleic acid of 4 monomeric ribonucleotides. वो कौन कौन सी? वही जो आपकी nitrogenous bases हैं। Each ribonucleotide contain of pentose sugar molecule of phosphate group and a nitrogen base. The nitrogen bases of RNA are 2 purines. Purines क्या होती हैं? मैम जिनका structure double ring होता है। हाँ जी, डबल रिंग। और पाइरिमिडीन क्या होती है? जिसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें प्यूरीन्स में जो इसमें एडिनिन और गुआनिन है, और पाइरिमिडीन में इसमें जो है साइटोसिन एंड यूरासिल है, ठीक है। इसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल होती है आरएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। दोनों में बेस बेस जो है अटैच होती हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, और जो है वो नाइट्रोजन स्पेसिस में डिफरेंस होता है। आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में जो है थायमिन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए कि आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, differences हैं। So RNA is a single stranded mainly except when self complementary sequences are present, ठीक है। RNA जो है single stranded molecule होता है, except sometimes इसके sequence में जो है वो complementary sequence होते हैं। Complementary क्या होते हैं? जो एक दूसरे के opposite होते हैं, तो वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ attached हो जाते हैं और वहाँ पे ऐसे double stranded structure जो है वो show हो रहे होते हैं। इसको hairpin structure कहते हैं। अदरवाइज आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, एक्सेप्ट इन सम वायरसेस जहां पे ये सिंगल स्टैंडर्ड एक्ट कर रहा होता है। आरएनए में जो है राइबोस इज द मेन शुगर, और डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। आरएनए में जो है पाइरिमिडीन में जो है यूरासिल होती है नॉट थायमिन, और डीएनए में जो है थायमिन होती है नॉट यूरासिल। Being single stranded structure, it does not follow Chargaff's rule, or DNA जो है Chargaff's rule follow करता है। What is the Chargaff's rule? कौन बताएगा? हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, आता है या नहीं आता? Chargaff's rule क्या होता है? आपने पढ़ा होगा biochemistry and genetics में। Your range is equal to pyrimidine. क्या होता है मैम? एडिनिन विल बाइंड विद थायमिन एंड गुआनिन विल बाइंड विद साइटोसिन, बट इसमें थायमिन नहीं होती। ये तो नहीं है चार्गोफ्लोर, यूरेसिल, यूरेसिल, दिस इज नॉट द चार्गोफ्लोर।
मैडम जितने प्यूरीन्स होते हैं उतना ही कंटेंट पाइरिमिडीन्स का भी होगा, यानी इक्वल एप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट दोनों की एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, जो है जितने प्यूरीन्स कंसंट्रेशन होगी सर उसमें डीएनए में उतने ही पाइरिमिडीन्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो दिस इज द चरगाफ रूल के प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन का जो कंटेंट है कंसंट्रेशन वो सेम होती है, जबकि आरएनए में ये रूल फॉलो नहीं होता। आरएनए जो है कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय द एल्केलीज, और डीएनए जो है दे कैन रेजिस्ट एल्केलीज। और जो है क्यों, क्योंकि जो है आरएनए में सेकेंड पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, हमने ये स्ट्रक्चर में पढ़ा था। और डीएनए में जो है ऑक्सीजन रिमूव होती है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे भी हो वो फॉरेन जो मॉलिक्यूल जबकि मिलियंस ऑफ बेसिस होती है डीएनए। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। अब मैम यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरएनए के अंदर ओएच ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टेड बाय अल्केलीज। तो मैडम आर ओएच तो एक ऑलरेडी एक बेसिक मॉलिक्यूल है, सो बेसिक मॉलिक्यूल बेसिक से किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, यानी उसको तो अपोज करना चाहिए ना, यानी एच प्लस। नहीं, मुझे समझ नहीं आरएनए में क्या होता है जो कि बेसिक होता है। यहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए इसलिए रेजिस्ट करता है क्योंकि उसमें ओएच मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है, जबकि आरएनए में वो ओएच मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सो द पॉइंट इज ओएच तो ऑलरेडी ही एक बेसिक एलिमेंट है, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। आप लोगों को ठीक है मुझे समझ आ गई है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा एज ए टर्मिनल एक्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे कोई फॉरेन मॉलिक्यूल या कोई एंजाइम आके एक्ट कर सकता है या फर्दर कोई मॉलिक्यूल आके एक्ट कर सकता है, वहां पे जो है वो उसमें बॉन्ड बना सकता है वो इजीली, ठीक है। तो ये एल्केली या उसके होने का मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसलिए वो इजीली जो है बाकी एंजाइम्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, जबकि डीएनए में क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी जो है वो नहीं होती, तो इस वजह से वो किसी फॉरेन मॉलिक्यूल से एक्ट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। तो इस वजह से डीएनए इज अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल देन द आरएनए।
ओके मैम। ठीक है, फर्दर जो है आरएनए के डिफरेंट टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और कुछ माइनर इसकी टाइप्स होती हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, माइक्रो आरएनए एंड हेटरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और इनके सबके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जबकि डीएनए इज इन द सिंगल फॉर्म, इसकी एक ही फॉर्म होती है, एक ही टाइप होती है जो कि उसमें होती है सेल के अंदर। नो वेरिएबल फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम जो लास्ट लेक्चर में डीएनए की फॉर्म्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, टाइप्स नहीं है, टाइप्स नहीं है, हम अगली ही पॉइंट पे उसमें आ रहे हैं। ठीक है, आरएनए की हमने जो है कोई वेरिएबल फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स नहीं होती है, जबकि डीएनए की फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं, वो टाइप्स नहीं है, वो स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंट है उसका। ठीक है, वो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं, दैट वाज नॉट द टाइप्स ए बी एंड सी। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट इज आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, इट कैन नॉट फॉर्म डीएनए। ठीक है, हमेशा हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो डीएनए से आरएनए बनता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वायरसेस में जहां पे आरएनए जो है दोबारा डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज आरएनए कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डीएनए। इसी तरह से डीएनए जो है वो डीएनए भी बना सकते हैं और ये आरएनए में भी चेंज हो सकते हैं। आरएनए की बहुत सारी कॉपीज जो है वो सेल के अंदर होती हैं, जबकि डीएनए जो है सिंगल कॉपी के फॉर्म में जो है सेल पर सेल हर सेल में प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए वही जो हमने पहले बताई कि इसमें मेन थ्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा कुछ माइनर टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए एंड हेटरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इन टाइप्स को हम जो है डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आप सबको पता होगा इसका फंक्शन, क्या फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए का? हाँ जी बच्चों, क्या फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए का? क्या होता है मैसेंजर आरएनए? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है राइबोसोम तक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। हाँ जी बिल्कुल, मैसेंजर आरएनए जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं डीएनए से, रिक्वायर्ड जीन से, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और फिर मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है टू द राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, और वहां पे वो इंफॉर्मेशन यूज करके राइबोसोम जो है रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं। सो ये ऐसे मैसेंजर एक्ट करते हैं, इसी वजह से इसका नेम मैसेंजर आरएनए। दे कंप्राइजेस ओनली 5% ऑफ द आरएनए इन द सेल, मोस्ट हेटरोजीनियस इन साइज एंड बेस सीक्वेंस, क्योंकि ये हर जीन के अकॉर्डिंग जो है मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसके लिए बहुत वेरिएबल फॉर्म्स में होता है। All members of the class function as messengers carrying the information in a gene to protein synthesizing machinery, that is ribosome. इसमें कुछ structural जो characteristics हैं इसकी, जब messenger RNA formation होती है तो उसमें जो है एक cap add होती है, ठीक है, cap और adenine tail। पढ़ा है इसके बारे में, क्या होता है cap और adenine tail का function क्या होता है? Cap और tail जो add होती है, कोई आइडिया है? शायद वो ये है कि डीएनए जो है वो हाइड्रोलाइज ना हो सके एंजाइम्स के थ्रू जो आउटसाइड सेंड करते हैं, तो उसको कैप और टेल लगाते हैं ताकि वो इनक्लोज रह सके। मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, तो उसके बाद सबसे पहला काम जो है उसमें कैप ऐड की जाती है और टेल ऐड की जाती है। कैप जो होती है वो एक सीक्वेंस होता है 7-methylguanosine ट्राइफॉस्फेट, और इसका फंक्शन होता है, एक तो फंक्शन जो होता है कि इसके थ्रू मैसेंजर आरएनए रिकॉग्नाइज होता है इन द राइबोसोम, और सेकंड इट स्टेबलाइज मैसेंजर आरएनए बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लिएसेस, जो एक्सोन्यूक्लिएसेस एंजाइम है जो कि आरएनए पैक कर सकते हैं और उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उनसे जो है इसको प्रिवेंट करते हैं और इसको स्टेबलाइज बनाते हैं।
तो 5 एंड पे जो है वो कैप होती है, और 3 एंड पे जो है वो एडिनिन टेल ऐड की जाती है, जो 20 to 25 एडिनिन यूनिट्स हो सकते हैं. द टेल प्रिवेंट्स अटैक बाय एट द 3 एंड टू द एक्सोन्यूक्लियसिस. ठीक है, मतलब वो 3 एंड पे जो एक्सोन्यूक्लियसिस के अटैक से जो है उसको प्रिवेंट करते हैं. स्टोन्स और इंटरफेरॉन्स जो है उसमें जो है ए टेल नहीं होती. ऑन बोथ 5 एंड 3 एंड देर आर नो कोडिंग सीक्वेंस. एक तो ये कैप एंड टेल हो गए कि मैसेंजर आरएनए में वो होते हैं, इसके अलावा मैसेंजर आरएनए में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, और इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर जो है कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और उनको हम कोडिंग रीजन कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि उसमें 5 एंड पे कैप होती है, उसके बाद जो जो है स्टार्टिंग कोडोन होता है AUG, उसके बाद उसका कोडिंग सीक्वेंस होता है जो येलो मस्टर्ड कलर में शो हो रहा है, उसके बाद स्टॉप कोडोन होता है, और उसके बाद जो एडिनिन टेल ऐड हो गई होती है. और 5 और 3 कैप और एडिनिन टेल जो उसका फंक्शन बेसिकली इसको स्टेबलाइज करना है. द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. मैसेंजर आरएनए आप सबको पता है कि ये डीएनए से बनता है, डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है, और इसके जो अंदर जो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द सीक्वेंस ऑफ डीएनए टेम्पलेट. कम्प्लीमेंट्री मतलब जो है ऑपोजिट सीक्वेंस. इसके बाद मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट. कोई सीक्वेंस जो है कम्प्लीमेंट्री होता है. द सीक्वेंस कैरीड ऑन मैसेंजर आरएनए इज रीड इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स. मैसेंजर आरएनए में आपको पता है कि कोडॉन की फॉर्म में जो मैसेज रीड होता है, और एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. जब मैसेंजर आरएनए फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बनता है तो वो जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है उसको हिटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो है इसमें वेरिएबल स्ट्रक्चर होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, तो हिटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है जो हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर आरएनए की फॉर्म होती है. हिटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए अब क्या होता है? हिटरोजीनियस का मतलब क्या होता है? हाँ जी ऑपोजिट होती है. नो ऑपोजिट नहीं, वो कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है. हेटेरोजेनस का मतलब होता है कि वेरिएबल फॉर्म्स अटैच होकर जब एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो मतलब सेम यूनिट्स नहीं होते, वेरिएबल स्ट्रक्चर मिलके जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलके जो है वो एक उसको बना रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है. इनमें मिलियन न्यूक्लियाई हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन. द न्यूक्लियर प्रोडक्ट इज हेटेरोजेनियस इन साइज एंड इज वेरी लार्ज. उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, और 75% जो हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए है वो रिमूव हो जाता है, और 25% जो है वो एज ए मेच्योर आरएनए रह जाता है. दिस इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इसमें आपको समझ आए, फर्स्ट जो शो कर रहे हैं इट्स द डीएनए जीनोम. ठीक है, इससे जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ और हमारा फर्स्ट प्राइमरी आरएनए बना है, इसको हम हेटरोजीनियस आरएनए कह रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें कोडिंग सीक्वेंस भी है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है. इसके बाद जो है इसकी प्रोसेसिंग होगी, और इसमें जो है कैप और एडिनिन टेल ऐड होती है. आफ्टर दैट प्रोसेस उसमें जो है इंटरॉन जो है रिमूव होंगे. ठीक है, इंटरॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है. ठीक है, तो इसमें से जितने भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और फर्दर जो है वो जितने भी बाकी रिमेनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो जाते हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है दैट वाज द मैच्योर मैसेंजर आरएनए, और इसका साइज जो है वो बहुत कम होता है टू द हेटेरोजेनियस मैसेंजर आरएनए. तो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए. नेक्स्ट इज द ट्रांसफर आरएनए.
ट्रांसफर आरएनए जो है द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री मेजर स्पीशीज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल दे हैव 74 टू 95 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियर प्रोसेसिंग ऑफ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स दे ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हेंस द नेम ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, मतलब ट्रांसफर आरएनए हम इसलिए कहते हैं कि अमीनो एसिड्स को जो है ट्रांसफर करता है टू द राइबोसोम्स. इसके अलावा हम ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं. इसके अलावा इनको अडैप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है. अडैप्टर मतलब अडैप्ट कर जाते हैं कंडीशंस को. वो क्यों मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को अडैप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए. जो भी मैसेज लेके आएंगे मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट कर लेगा. इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको अडैप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं. एंड देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए बिकॉज़ देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. Now the structure characteristics of transfer RNA. There are two types of structure in transfer RNA: primary structure and secondary structure. Primary structure क्या होता है? जो linear form में structure इसका बनता है between the intra-strand complementary sequence के दरमियान में, तो उसको primary structure कहते हैं. Secondary structure क्या होता है? जब internal base pairing होती है, एक strand के अंदर internal base pairing start हो जाती है. तो उसकी वजह से जो है ये एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्ट कर लेता है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं. उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वेरिएबल हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जो इंटरनल बेस पेयरिंग की वजह से बनता है इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. अब इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें डिफरेंट आर्म्स या लूप्स हो सकती हैं. ठीक है, इनको हम 5 डिफरेंट जो है आर्म्स में डिवाइड करते हैं. और वो आर्म्स कौन कौन से हैं? एक्सेप्टर आर्म होती है, एंटीकोडोन आर्म होती है, ड्राई हाइड्रोयूरिडाइन आर्म होती है, सूडो यूरिडाइन आर्म होती है और एक्स्ट्रा आर्म होती है. अब इसको हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दीज आर्म्स और इनके फंक्शंस क्या है. सो फर्स्ट इज द एक्सेप्टर आर्म. एक्सेप्टर आर्म इज प्रेजेंट ऑन द 3N. इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 7 बेस पेयर्स. इसमें जो है एंड सीक्वेंस होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, मतलब वो सिंगल होता है, उसके साथ कोई पेयर्ड सीक्वेंस नहीं होता. और वो अनपेयर्ड सीक्वेंस कौन सा होता है? साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन आर द 3N. अब क्योंकि ये अनपेयर्ड होता है और जो लास्ट एडेनिन है उसमें जो उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहां पे जो अमीनो एसिड के साथ अटैच होना होता है वो आके अटैच हो जाता है. तो इस तरह से वहां पे जो है अमीनो एसिड आके एक्सेप्ट हो जाता है. इसी वजह से इसको एक्सेप्टर आरएनए कहा जाता है. जब ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड अटैच हो जाते हैं तो इसको अमीनो स्टाइल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं. लाइक इन दिस पिक्चर एट द 3N दिस इज द एक्सेप्टर आर्म. ठीक है, अनपेयर्ड सीक्वेंस है CCNA और जो एडिनिन है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है अमीनो एसिड अटैच होना होता है ट्रांसफर के साथ. जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करना है टू द राइबोसोम वो उस एक्सेप्टर आर्म पे जो है आके अटैच हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा जो है ये ग्रीन कलर में ये इंट्रा मॉलिक्यूल बेस पेयरिंग शो कर रहे हैं जिसकी वजह से लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा होता है. ठीक है, इसके अलावा ग्रीन कलर में जो नीचे वाली साइड पे इसको एंटीकोडोन जो है आर्म कहते हैं. So this is the leaf-like structure of secondary structure of transfer RNA. Next is the anticodon arm. Anticodon lies at the opposite end of acceptor arm. It contains almost 5 base pairs. It recognizes the triplet codon present in the messenger RNA. अब इसका function क्या होगा कि मतलब anticodon में क्या होगा? ये codon को read करता है. ठीक है, और इसका structure जो है complementary होगा to the codon. इसलिए जो भी कोडोन मैसेंजर आरएनए में आता है वो एंटीकोडोन आर्म पे आके जो है वो अटैच होता है और फिर एंटीकोडोन जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच कराता है एट द एक्सेप्टर आर्म. तो इट इज द जो है
ये recognizable site है of the transfer RNA. Due to complementarity, it can bind specifically with the messenger RNA by hydrogen bonds. Diazoxyribonucleic acid, it has 3-4 base pairs. It serves as a recognition site for the enzyme. Okay, ये site जो है enzyme के recognition site के साथ as a recognition site act करेगी. और इसके वजह से जो है अमाइनो से जो है अटैच हो सकते हैं टू द एक्सेप्टर आर्म, क्योंकि अटैचमेंट के लिए अमाइनो एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होती हैं. तो ये साइड जो है डाइहाइड्रोजुरिडाइन आर्म जो है यहाँ पे जो है एंजाइम एक्ट करता है और फिर अमाइनो से जो है वो एक्सेप्टर आर्म पे अटैच हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज सुडोयुरिडाइन आर्म. दिस आर्म इज ऑपोजिट टू डाइहाइड्रोजुरिडाइन आर्म. It contains pseudouridine, that's why it is so named. It is involved in the binding of transfer RNA to the ribosome. So this is the process function of pseudouridine. Okay, ye transfer RNA ke binding mein jo hai to the ribosome, usme involved hota hai. Extra arm or variable arm. About 75% of transfer RNA molecules possesses a short extra arm. It about 3-5 base pairs are present. ट्रांसफर आर एन ए, अब ये एक्स्ट्रा आर्म दो तरह की होती है, एक थोड़ी लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है. इफ ट्रांसफर आर एन ए इज अटैच टू द लॉन्ग शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म जिसका सीक्वेंस 3-5 बेस पेयर्स है, तो उसको टाइप 1 या क्लास 1 ट्रांसफर आर एन ए कहा जाता है. एंड इफ इट इज अटैच टू द लॉन्गर एक्स्ट्रा आर्म जिसका साइज 13-21 बेस पेयर्स होता है, तो उसको हम क्लास 2 जो है वो कहते हैं. हाँ जी बेटा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना था? तीन दिन होने पे जी मैं उनको प्राय नहीं की था कोई. बेटा अपना माइक ऑफ करो. मैंने रहा था ये मेरा. वो भी था कि जो डेल टूट गया होता था. Now the next is ribosomal RNA. Ribosomal RNA kya hote hain? They are involved in the ribosomes and they are used for the timing bhi change ki thi na. Aap bhi use karte hain. Timing change kar raha hai. Awaaz andar pehle to nahi. Chup na, mic off karo. Ki aap log kya kar rahe ho? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो फॉर्मेशन हो रही थी, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही थी इन द राइबोसोम्स, तो ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो है मैमिलियन सेल्स जो होते हैं एटीएस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है एटीएस होता है और इसमें दो यूनिट्स होते हैं 60S का और 40S का. ये जो 60S है उसमें फर्दर उसके सब पार्ट्स होते हैं 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S ribosomal RNA and 28S ribosomal RNA. इसके अलावा there are more than 50 specific polypeptide chains जो मिलके जो है 60S unit बना लेते हैं. 40S subunit जो है उसमें 18S ribosomal RNA होते हैं और वो approximately 30 polypeptide chains होती हैं. All the ribosomal RNA molecules except the 5S ribosomal RNA ये एक ही प्रीकर्सर से जो है उसको उसकी प्रोसेसिंग से बनते हैं, जो कि 45S प्रीकर्सर आरएनए मॉलिक्यूल होता है. 5S जो पार्ट होता है इट्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्राइब्ड. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसमें दो यूनिट्स होते हैं 60S और 40S. 60S में फिर फर्दर उसके कंपोनेंट्स हैं 28S आरएनए, 5.8, 5S और 49 प्रोटीन्स, और 40S में जो है 18S ribosomal RNA and 33 proteins. So this is the ribosomal RNA function of this. The function of ribosomal RNA molecule in the ribosome particles are not fully understood, but they are necessary for ribosomal assemblies and seem to play key role in the binding of messenger RNA ribosomes and its translation. Okay, मतलब इनका totally understood नहीं है क्या function है, but it's really important for the process of translation, for the process of protein formation.
recent study suggests that ribosomal RNA component perform the peptidyl transferase activity. कि ऐसे एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे राइबोसाइम एक्ट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज द स्मॉल आरएनए. मोस्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. ठीक है, मतलब ये प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं और मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोप्लाज्म में. इसकी रेंज जो है वो वेरिएबल हो सकती है न्यूक्लियोटाइड्स की, 20 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रेजेंट होती है हर सेल. स्मॉल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इज द सेम थिंग. स्मॉल ये जो न्यूक्लियर आरएनए है, स्मॉल आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं और जीन रेगुलेशन में. हमने मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में पहले एक ओवरव्यू लिया कि मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में उसमें जितने भी इंटरॉन्स या नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो रिमूव होते हैं. तो ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं ये उस इंटरॉन रिमूवल में हेल्प करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स और इसमें U1, U2, U4, 5 एंड 6 आर इन्वॉल्वड इन द इंटरॉन रिमूवल एंड द प्रोसेसिंग ऑफ हेटरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इनटू मैच्योर मैसेंजर आरएनए. ठीक है, हमने जो पहले बात की थी कि हमारा प्री मैसेंजर आरएनए बनता है या हेटरोजेनियस मैसेंजर आरएनए बनता है, उसमें इंटरॉन्स जो है फिर वो रिमूव हो जाते हैं. तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये इन इंटरॉन्स को जो है लूप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां से जो है रिमूव कर देते हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. नेक्स्ट इज द माइक्रो आरएनए एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए. These two classes of RNAs present a subset of small RNAs, both play important role in gene regulation. MicroRNA and small interfering RNA cause inhibition of gene expression. ठीक है, मतलब बाकी जो है gene expression में help कर रहे थे, ये दोनों क्या करेंगे, ये gene expression को inhibit करते हैं और इन ये different mechanism होते हैं इनके. ठीक है, इनका होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब जीन एक्सप्रेशन एक दफा हो जाएगी तो अगर उनको इसको इनहिबिट नहीं किया जाएगा तो वो होती जाएगी जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जीन एक्सप्रेशन को जो है इनहिबिट करते हैं, उसको रोक देते हैं. माइक्रो आरएनए आर टिपिकली 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स या डिस्टिंक्ट जीन्स की जो प्रोसेसिंग से बनते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, ये इनका रोल क्या होता है और इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से करते हैं कि माइक्रो आरएनए जो होते हैं ये हमारा जो मैसेंजर आरएनए है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ड्यूप्लेक्स बनाते हैं. अब नॉर्मली तो मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच नहीं होने चाहिए, तो जब माइक्रो आरएनए अटैच हो जाते हैं तो फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता टू द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स और इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन जो है अरेस्ट हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है. नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, लेकिन माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, वो आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके साथ डुप्लेक्स बनाते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं और वो फिर प्रोटीन में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते. दिस इज द रोल ऑफ माइक्रो आरएनए. ये वही बात बताई गई है कि माइक्रो आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए से डुप्लेक्स बना लेगा और फिर जो है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देता. स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस आर डिराइव्ड बाय द स्पेसिफिक न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ लार्जर आरएनएस. लार्जर आरएनएस की प्रोसेसिंग के दौरान जो है ये बनता है और इसमें भी 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. जैसे माइक्रो आरएनए जो जो है वो डुप्लेक्स बना लेते हैं, इसी तरह से शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए जो है ये भी आरएनए जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है उसको हाइब्रिडाइज करता है, उसको जो है उसके साथ अटैच होके उसको ब्रेक डाउन कर देता है. जब ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर फर्दर जो है इंसाइम्स उस पर एक्ट करके उसको डिग्रेड कर देंगे. तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए की ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर जो है वहां पे ट्रांसलेशन उसकी नहीं हो पाएगी. फॉर्मेशन ऑफ सच आरएनए आरएनए रिफ्लेक्सेस बिटवीन स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए रिजल्ट इन रिड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्शन.
ठीक है, मतलब वो प्रोटीन प्रोडक्शन जो है इनहिबिट हो जाती है, जैसे डुप्लेक्सेस को डिग्रेड करती है, तो जब ऐसी प्रोटीन नहीं बनेगी तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और मैसेंजर आरएनए के बनते जाएंगे, और ये एंड पे क्या करेगा कि ये मैसेंजर आरएनए का जो है वो हाइब्रिडाइज करेगा, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से स्मॉल आरएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ये डुप्लेक्स बनाते हैं उसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ, और फिर जो है मैसेंजर आरएनए को जो है हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं, और फिर मैसेंजर आरएनए की जो है फर्दर जो है डिग्रेडेशन कर देते हैं। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए 20 टू 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैव अ वैरायटी ऑफ रोल्स इन द सेल, दे आर इन्वॉल्व इन द आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे वेयर इट इंटरफेयर्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन by hybridizing to its corresponding RNA sequence in the target messenger RNA. This then activates the degrading of messenger RNA. Once the target messenger RNA is degraded, the messenger RNA cannot be translated into the protein. So this is the mechanism of small interfering RNA. अब इंटरनल की सीक्वेंस आज सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है अब थेराप्यूटिक ड्रग डेवलपमेंट में, क्योंकि ये जो है माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इनको पोटेंशियल टारगेट्स यूज किया जा रहा है फॉर थेराप्यूटिक ड्रग डेवलपमेंट में। वो क्यों, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज अ ड्रग थेराप्यूटिक ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें जो है बेसिकली क्योंकि माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो फंक्शन क्या करते हैं कि वो जीन रेगुलेशन, स्पेसिफिक जीन रेगुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी में कोई ऐसी जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन उसकी हो रही है और नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनी जा रही है, तो हम उस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम उसमें स्पेसिफिक एनालॉग बनाते हैं जो कि माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो, और फिर जो है वो जाके बॉडी में स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास वो प्रोटीन बनना बंद हो जाती है। तो इन दोनों को जो है हम ऐसे थेराप्यूटिक ड्रग डेवलपमेंट में आजकल यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें से तो पूछ लो। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं? नो मैम, समझ आ गया लेक्चर? यस मैम, अब दोबारा पढ़ेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ। और जब माइक किसका ऑन था, कौन से बच्चे थे? ये मैं अभी मोबाइल यूज कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। आप लोगों ने नोट किया था? मैम देखा था लेकिन अब याद नहीं है कौन। याद नहीं है, बताने नहीं चाह रहे, बट काइंडली जो है इस तरह की हरकतें ना किया करो। आप लोगों का लेक्चर जो है जब हो रहे थे स्मूथली तो उसको डिस्टर्ब ना किया करो, और फिजूल लेक्चर सुनने के बजाय आप लोग जो है वो अजीबो गरीब से बातें कर रहे होते लेक्चर में, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी लेक्चर सुन रहे हो, तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड किया करो। एटलीस्ट जो है अपना माइक ऑफ रखा करो कि टीचर्स को ये ना हो कि आप लोग लेक्चर के बजाय बातें कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो अगर लेक्चर में हो तो उसको ले लिया करो ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। और नेक्स्ट ऐसा किसी ने भी किया जो ड्यूरिंग द लेक्चर जी माइक ऑन हो गया उसका और वो माशाल्लाह से पीछे बातें ऐसे तरीके से कर रहे हो, तो आप लोग काइंडली उनका नेम नोट डाउन किया करो और मुझे बताया करो। आप लोगों की शिकायत लगा सकते हैं क्या?
अगर वो वैलिड हो तो जरूर लगा सकते हैं, बिकॉज ये हम किसी की शिकायत नहीं है उसके मुंह पे, उसके जो उसने गलत काम किया उसको बता रहे हैं, इट्स नॉट द शिकायत। सो नेक्स्ट टाइम आप सबको लिए मैं ये आज बता रही हूँ कि आप लोग काइंडली ऐसी चीजों को अवॉइड किया करो, अगर आप लोग लेक्चर में हो तो लेक्चर लिया करो। ओके मैम। ओके मैम। मैम ये जो आपने लेक्चर्स पढ़ाए हैं और इसके आगे आपने रेफरेंस टेक्स्ट बुक दी हुई थी, इसमें से भी हमने पढ़ना है कि स्लाइड्स आर इनफ? आप लोग बुक से पढ़ो तो बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अगर इसमें कम लगते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स इजीली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बुक का रेफरेंस दिया ताकि आप लोग जो उसको प्रॉपरली पढ़ सको। और मोहम्मद अमीन असलम जी, उस बुक का पीडीएफ अपलोड कर देंगे एलएमएस पे? मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास पड़ी हुई तो वो मैं कर दूँ। ठीक है, ओके मैम। मोहम्मद अमीर असलम, आज मैं आपको इस बात पे कुछ नहीं कह रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपका माइक ऑन हुआ या आप माइक ऑन करो या ना करो, एटलीस्ट अपना लेक्चर लिया करो। ठीक है, तो आप मेरी उसमें आ चुके हो अमीर असलम के, आपने इस तरह से किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ना हो आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी और ना ही किसी और की तरफ से। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं, इस दफा भी नहीं होना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम तो बाय मिस्टेक हो गया मैम, पता नहीं चला। तो बाय मिस्टेक आप लेक्चर ले रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते जब आपके लेक्चर हो रहा है तो आप लेक्चर नहीं ले रहे उस टाइम पे। मैम नेट वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से वो अनम्यूट हो गया। कैसे डिस्कनेक्ट हो सकता है बेटा, आप 10 लोग बैठ के बातें कर रहे हो और आप साथ कह रहे हो कि मैं लेक्चर डिस्कनेक्ट होने की वजह से, नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से सो। इन दफा ज्वाइन की मैंने, इस वजह से पता नहीं चला। जो भी आप लोग अपने ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व किया करो, और ड्यूरिंग लेक्चर आप लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सॉरी मैम, नेक्स्ट चलिए ठीक है, आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ लो। ठीक है, ओके मैम, ओके अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके मैम।